आप सभी लोगों का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे फिनॉल टॉपिक की, फिनॉल टॉपिक की केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिनॉल टॉपिक की केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एल्कलीकरण पढ़ा था, आज उसी के आगे हम लोगों को एसिडीकरण पर चर्चा करनी है। तो एसिडीकरण पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम फिनॉल का एसिडीकरण कराएं तो फिनॉल का एसिडीकरण एसिटिल क्लोराइड से कराएं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिनॉल की रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH से। जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो आप देखोगे कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो जब सॉल्ट फॉर्म करेगा तो यहाँ से सॉल्ट कौन सा बनता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका है सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप एसिटिल क्लोराइड से करा दीजिए, ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5ONa। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन आप एसिटिल क्लोराइड ClCOCH3 इससे करा दीजिए। तो जैसे इससे रिएक्शन कराओगे तो बच्चों होगा क्या, इतना ये पार्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा C6H5OCOCH3, ये बन गया प्लस NaCl, ये बन गया। तो ये क्या बना आपका, ये बना फेनिल एसीटेट बना। क्या बना? फेनिल एसीटेट। क्या बना बच्चों? फेनिल फेनिल एसीटेट एसीटेट फेनिल एसीटेट बना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, ध्यान देना जरा, सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa इसकी रिएक्शन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से करा दें, ध्यान से देखना बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करा दें तो जब ये रिएक्शन हम कराएंगे तो देखेंगे यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से इतना पार्ट यहाँ से ये आपका अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा देखना बच्चों ध्यान से, C6H5OCOC6H5 इसको हम लोग कहेंगे फेनिल बेंजोएट। क्या कहेंगे? फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट कहेंगे। और इस अभिक्रिया का ये जो रिएक्शन है इसका नाम है साटन बाउमैन, साटन बाउमैन अभिक्रिया, इस नाम से भी ये जानी जाती है, साटन बाउमैन अभिक्रिया। तो इस नाम से भी जानी जाती है ये आपकी। अब इसके बाद में बच्चों ये आपकी हो गई एसिडीकरण। कौन सी अभिक्रिया है ये? एसिडीकरण। कल हम लोगों ने चर्चा की थी एल्कलीकरण पर, कल किस पर चर्चा की थी? एल्कलीकरण पर। और आज किस पर चर्चा कर रहे हैं? एसिडीकरण पर। अब बच्चों इसके आगे हम लोग बात करेंगे फिनॉल के ऑक्सीकरण की। चलिए चलते हैं फिनॉल के ऑक्सीकरण। क्या होगा अगर फिनॉल का ऑक्सीकरण हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से करा दें? क्या होगा जब अगर हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करा दें? आइए चलिए देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं इसके लिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो क्या होगा अगर हम फिनॉल को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं? ये रहा आपका बच्चों क्या, फिनॉल। क्या रहा बच्चों? फिनॉल। ये है आपका फिनॉल। अगर हम वायु में प्रेजेंस ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों पैरा बेंजो क्विनोन। क्या बन जाएगा?
पैरा बेंजो क्यूनॉन, ये बन जाएगा, इसका नाम है पैरा बेंजो क्यूनॉन, ये बना पैरा बेंजो क्यूनॉन, बना क्या बना पैरा बेंजो क्यूनॉन, पैरा बेंजो क्यूनॉन किस प्रकार से पैरा बेंजो, बच्चों पैरा बेंजो क्यूनॉन इस प्रकार से बनता है। अब बात करते हैं इसके आगे हम, अगर अब हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, बेंजीन, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं की बात करेंगे, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। तो बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं में बच्चों आपको ध्यान देना ये है कि जो फिनॉल होता है ये किस प्रकार की बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, इस पे आपको ध्यान देना है कि जो फिनॉल होता है हमारा वो किस प्रकार के बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं की, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं देता है। देखिए जरा आप सभी जानते हो कि ये है जैसे फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, तो फिनॉल के ऊपर बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में होते हैं लोन पेयर, जैसा कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में समझा चुके हैं कि ऑक्सीजन के पास में जो एकांगी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये लोन पेयर जो होते हैं ये बेंजीन के रिंग के अंदर आ जाते हैं और आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या होता है ये लोन पेयर की वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। तो बच्चों ये था फिनॉल, और फिनॉल पर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक कराएं तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स का, इलेक्ट्रोफाइल्स फिनॉल की आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। चलिए देखते हैं, रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण कौन सी, नाइट्रीकरण। आइए बच्चों देखते हैं नाइट्रीकरण क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये लिया जैसे मैंने फिनॉल, क्या लिया, ये लिया फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन आपको डाइल्यूट HNO3 से करा देनी, डाइल्यूट HNO3 यानी तनु HNO3 से करा देनी है। तो तनु HNO3 को आप क्या बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हो, तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं, टेम्परेचर इसका ज्यादा नहीं रखना है आपको, 0 से 5 के बीच में रखना है, 0 से -5 के बीच में, तो क्या होगा ये इसके आर्थो और पैरा पोजिशन पर एड हो जाता है। कहाँ पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, मतलब दो टाइप के यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक तो ये मिलेगा बच्चों ये, इसको आर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक ये मिलेगा बच्चों आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये वाला बोला जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये बच्चों बना पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आपने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराने पर आपको आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड, इधर ध्यान देना बच्चों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर ध्यान देना बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी गई। देखिए इसमें क्या होता है, फिनॉल है, जैसे ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है, फिनॉल, क्या है बच्चों, फिनॉल, और इस पर अगर हम किसकी रिएक्शन करा दें, इस पर अगर हम कंसंट्रेटेड, ये HNO3 है, कैसा है बच्चों, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र HNO3 की रिएक्शन करा दें, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा दें, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम करा दें, तो बच्चों यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि इस पोजीशन का हाइड्रोजन, इस पोजीशन का हाइड्रोजन और इस पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और NO2 ग्रुप यहाँ पर लग जाता है, तो यहाँ पर एक NO2 लग जाएगा, एक NO2 यहाँ पर लग जाएगा, एक NO2 यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर ये,
और प्लस 3H2O यहाँ से निकल जाएगा। बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको ये कौन सी, देखो ये अगर इसको हम पोजीशन दें, बच्चों ध्यान देना, इसको अगर हम पोजीशन दें तो ये पोजीशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो किस किस पोजीशन पर है बच्चों आप देख लीजिए, एन ओ टू टू नंबर पे, फोर नंबर पे, सिक्स नंबर पे। तो इसका जो नाम होगा बच्चों, वो नाम आप दोगे 2, 4, 6 और तीन बार है इसलिए ट्राई, और आप जानते हो इसको नाइट्रोफिनॉल 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम बहुत ही फेमस नाम है पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये याद रखना पिक्रिक एसिड। ये बच्चों पीले रंग का होता है, तो इसका यूज हम लोग रंजक के रूप में भी करते हैं, याद रखना, डाइज के रूप में भी इसका यूज किया जाता है पिक्रिक एसिड का, पीले रंग का होता है। तो हम लोगों ने नाइट्रीकरण में बच्चों देखा दो प्रकार का नाइट्रीकरण, अगर हम मान लीजिए फिनॉल की रिएक्शन डायलूट HNO3 से करा रहे हैं तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, और अगर आप फिनॉल की रिएक्शन HNO3 कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा दोगे तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड मिलता है। चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कौन सा होगा नाइट्रीकरण के बाद में? सल्फोनीकरण। तो चलिए अब बात करते हैं सल्फोनीकरण की। सल्फोनीकरण बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सल्फोनीकरण की, किसकी बात करने जा रहे हैं? सल्फोनीकरण की। तो देखिए सल्फोनीकरण में क्या होता है, हम लोग फिनॉल की रिएक्शन, ध्यान देना जरा, जैसे ये मान लीजिए फिनॉल है, क्या है बच्चों? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से, H2SO4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते हो? अगर हम इनकी रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएं, कितने टेम्परेचर पर कराएं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएं, तो जब हम ये इस पर कराते हैं तो ये बन जाता है, ये यहाँ से यहाँ का एच और ये वाला ओ एच निकल जाएगा, ये H2O बना लेगा, ये H2O बना लेगा और ये इस पोजीशन पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चों? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और अगर यही रिएक्शन बच्चों ध्यान देना, यदि यही रिएक्शन, ये वाली जो आपके सामने रिएक्शन है, अगर यही रिएक्शन हम कितने टेम्परेचर पर करा दें बच्चों? अगर यही रिएक्शन हम करा दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप देखोगे कि पैरा पोजीशन का ये H2O हट जाएगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3H, ये लग जाएगा और प्लस H2O, तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बच्चों इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी होने जा रही है आप लोगों को तो पता ही होगा, सल्फोनीकरण के बाद में किसका नंबर आता है? सल्फोनीकरण के बाद में बच्चों नंबर आता है हैलोजनीकरण का। आपको पता भी होगा तो आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि आपके बोलने का प्रोसेस जो है अभी बंद है। मुझे पता है कि आपको पता है, परंतु आप मुझे बता नहीं सकते। कोई बात नहीं, कमेंट में आप टाइप कीजिए कि सर हमें इसके बाद में पता था। तो सल्फोनीकरण के बाद में हम बात करेंगे हैलोजनीकरण की। तो अब चलते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, चलिए हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है बच्चों? अगर हम फिनॉल की रिएक्शन हैलोजन से कराएं और हैलोजन से कराएं अध्रुवी विलायक में और ध्रुवी विलायक में, तो देखो दोनों में क्या अंतर होता है। यदि हम बच्चों फिनॉल के रिएक्शन, जैसे ये हमारा फिनॉल है, क्या है बच्चों? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? इसकी रिएक्शन हमें करानी है हैलोजन से। किससे करानी है? हैलोजन से। तो हैलोजन हमारे याद करो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमने ब्रोमीन ले लिया। क्या ले लिया? ब्रोमीन।
और रिएक्शन इसकी हम कराने जा रहे हैं अध्रुवी विलायक। तो अध्रुवी विलायक या तो हमारा CH2 ले लो या फिर आप CCl4 भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो जब इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से ध्यान देना। यहां पर Br अटैच हो सकता है या फिर यहां पर Br अटैच हो सकता है। ऊपर वाले को बोलेंगे आर्थो ब्रोमो फिनाल, नीचे वाले को बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनाल। आर्थो ब्रोमो फिनाल और इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनाल। आर्थो ब्रोमो फिनाल और पैरा ब्रोमो फिनाल। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हमने फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से अध्रुवी विलायक, अध्रुवी विलायक जैसे CH2 CH4 CCl4 इनकी उपस्थिति में करा दी तो हमें आर्थो ब्रोमो फिनाल और पैरा ब्रोमो फिनाल प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन ध्रुवीय विलायक जैसे जल की उपस्थिति में करा दें तो क्या होगा, आइए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं ब्रोमीन की रिएक्शन फिनाल से किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो H होगा वो हटकर यहाँ पर Br लग जाएगा और आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर OH, यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा, इतनी जगह पर लग जाएगा और यहाँ से 3HBr आपका अलग हो जाएगा। तो 2,4 इसका देखो यहाँ से नंबर देते हैं बच्चों, ध्यान देना कहाँ से नंबर देते हैं बच्चों, नंबर हम लोग देते हैं जहाँ से OH होता है। तो यहाँ नंबर दिया हमने, कहाँ नंबर दिया हमने, यहाँ पर एक नंबर दिया, फिर बच्चों ध्यान देना एक नंबर दिया, दो नंबर दिया, तीन नंबर दिया, चार नंबर दिया, पांच नंबर दिया, छह नंबर दिया। तो आप देख रहे हो Br कौन कौन पोजीशन पर है, 2 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 6 नंबर पर। ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा यहाँ पर, सफेद अवक्षेप मिलेगा। कैसा मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, PPT यानी सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। तो आप लोगों ने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन आपने ब्रोमीन से कराई लेकिन किसकी उपस्थिति में कराई, इस बार आपने ध्रुवी नहीं ध्रुवी विलायक लिया, जल लिया, उसकी प्रेजेंस में कराई तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिला। चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी, एल्कलीकरण, ये कौन सी होती है, एल्कलीकरण, एल्कलीकरण, और दूसरी जिसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, एल्कलीकरण में किसकी रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड की, और दूसरा बच्चों है एसलीकरण, दूसरा क्या है एसलीकरण। एसलीकरण में बच्चों क्या होता है, एसिड हैलाइड RCOX इसकी रिएक्शन होती है। तो चलिए कराते हैं, पहले हम लोग देखते हैं अपना एल्कलीकरण देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, एल्कलीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग एल्कलीकरण, क्या डालेंगे हेडिंग, एल्कलीकरण, एल्कलीकरण, ओहो गलत हो गया, एल्कलीकरण लिखना था, एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। देखो बच्चों एल्कलीकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले फिनॉल लेते हैं, ये रहा हमारा फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन आपको किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से करानी है।
एल्किल हैलाइड से, जैसे इससे करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करानी है? AlCl3 की प्रेजेंस में करानी। जैसे कराओगे तो आप देखोगे यहाँ का और यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होकर R यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये एक ऐसा जिसमें OH यहाँ पर, R यहाँ पर, एक बच्चों ऐसा जिसमें OH यहाँ पर और R यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं इसको कंपाउंड बेस पे देखते हैं, कंपाउंड बेस पे देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका फिनॉल है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? फिनॉल। इस पर रिएक्शन आपने मान लो ClCH3 इसकी करा दी। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की। तो AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम करा रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से ऊपर तो OH रहेगा, यहाँ पर लग जाएगा CH3, और इसमें देख लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका क्या रहेगा? OH, और यहाँ पर लग जाएगा CH3। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊपर वाले को आर्थो मेथिल फिनॉल कहेंगे या आर्थो क्रिशॉल कहेंगे, आर्थो क्रिशॉल, आर्थो क्रिशॉल बोलेंगे, और इसको हम लोग पैरा क्रिशॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरा क्रिशॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरा क्रिशॉल। ये था बच्चों एल्किलीकरण। क्या था बच्चों? एल्किलीकरण। अब हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से एसिलीकरण की। चलिए एसिलीकरण में देख लेते हैं। अगली हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एसिलीकरण, एसिलीकरण। चलिए एसिलीकरण में देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं बच्चों? एसिलीकरण में क्या करते हैं? इसमें हम फिनॉल लेते हैं, ध्यान देना, ये फिनॉल है हमारा। इस फिनॉल पर रिएक्शन हम कराएंगे किसकी? एसिटिल क्लोराइड की कराएंगे। किसकी कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड की कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ वही कौन? AlCl3 हमारा और तुम्हारा भाई। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? आर्थो और पैरा पोजिशन से H हट जाएगा और ये लग जाएगा। तो यहाँ भी आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बच्चों मिलेंगे, ध्यान देना, इधर कौन कौन से? इधर देखो, इधर यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर COCH3 ये मिल जाएगा, और बच्चों ध्यान देना यहाँ से ये आपका OH यहाँ पर रहेगा और COCH3 यहाँ पर लग जाएगा। अब ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? आर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटो एसीटोफिनॉन फिनॉन, और इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटो फिनॉन। तो आप लोगों ने देखा बच्चों की एल्किलीकरण कराने पर क्या मिला? आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दे लेना इधर, हाँ। तो बच्चों ये था आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? एल्किलीकरण कराते हैं। तो एल्किलीकरण कराने पर आप लोगों ने देखा कि आर्थो कमा पैरा क्रिशॉल मिलता है, और जब हम क्या कराते हैं उसका, जब हम उसका क्या करा लेते हैं? एसिलीकरण कराते हैं। तो एसिलीकरण कराने पर हम लोगों को क्या मिल जाता है? एसिलीकरण कराने पर आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन मिल जाता है और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन मिल जाता है। लेकिन याद रखना है कि इस अभिक्रिया में AlCl3 की प्रेजेंस बहुत 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 कंपल्सरी। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे आगे की रिएक्शन में। आगे की रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है कौन सी? नाइट्रस अम्ल से। किससे पढ़नी है? नाइट्रस अम्ल से। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। कौन सी अब हम लोगों को पढ़नी है? कौन सी रिएक्शन इस बार हम लोगों को पढ़नी है? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रस अम्ल से। किससे पढ़ेंगे? चलिए नाइट्रस अम्ल से आइए, नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल से देख लीजिए इसकी रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं? ये फिनॉल लिया,
और फिनॉल की रिएक्शन हम नाइट्रस अम्ल से करा देंगे, नाइट्रस अम्ल HO। वैसे बच्चों नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2, क्या होता है HNO2, लेकिन रिएक्शन में हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, पैरा पोजिशन का हाइड्रोजन एटम OH के साथ में इंटरेक्ट करके H2O बनाएगा, क्या बनाएगा H2O बनाएगा, और NO वाला पार्ट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका। बच्चों ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है, ये जो बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों पैरा पैरा नाइट्रोसो नाइट्रोसोफिनॉल, क्या बना है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। बच्चों ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट से ये क्यूनॉल में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर से फर्दर इसका अगर हम डायलूट HNO3 से, ध्यान देना जरा, आपने पहले फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिला, और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हम करा दें डायलूट HNO3 से, डायलूट HNO3 से अगर हम इसका फर्दर क्या करा दें ऑक्सीडेशन करा दें, तो ऑक्सीडेशन कराने पर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा नाइट्रोसो से ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो में, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल। बच्चों एक रिएक्शन इसमें और हम इसी के बाद में देखेंगे, लीवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, लीवरमैन नाइट्रोसो, लीवरमैन नाइट्रोसो नाइट्रोसो अभिक्रिया। ये बच्चों देख लीजिए कई बार पूछी गई है और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको जरा ध्यान से देखना, लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझना। सबसे पहले क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, ध्यान देना, फिनॉल, फिनॉल को इसमें इस रूप में ना लिखकर बॉन्ड लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे फिनॉल में बॉन्ड लगा देंगे, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन अभी मैंने बताई थी नाइट्रस एसिड से कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, तो नाइट्रस अम्ल से कराने पर अभी मैंने बताया था क्या बनता है पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बनता है। चलिए बना लेते हैं इसमें पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। अब मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है, इसके बाद में इसका रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट से मैंने बताया था कि ये जो आपको हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आता है, जब मूव करके यहाँ पर आएगा तो ये फॉर्म करेगा क्या क्यूनॉन, जरा ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से NOH ये बना। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग या तो फिर डार्क ब्लू होगा या डार्क ग्रीन, गहरा हरा या नीला। बच्चों ध्यान देना, हम लोगों ने किया क्या है, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराई, जैसे फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो ये मिलेगा क्या आपको पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, जो कि रीअरेंजमेंट, इसका बच्चों रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होकर ये पैरा नाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है क्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है क्यूनॉल में, जिसका कलर कैसा होता है गहरा हरा या नीला हो जाता है। अब इसके बाद में आगे देखिए जरा, पैरा नाइट्रोसो क्यूनॉल जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बच्चों इस टाइप से क्या बना है NOH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये रिंग को हमने थोड़ा सा लिटा कर बना रहे हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट तरीके से समझा पाए। ये आपने क्यूनॉल लिखा जिसका रंग कैसा था गहरा हरा या नीला। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करने के लिए इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट करने के लिए इसमें हम डालेंगे फिनॉल, क्या डालेंगे बच्चों इसमें हम फिनॉल, क्योंकि इसका डाइल्यूशन फिनॉल से ही हो सकता है, तो फिनॉल डाल दिया इसमें। जैसे ही फिनॉल डाल देंगे तो बच्चों आप देखोगे यहाँ से इतना पार्ट ये निकल जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर ये देखो बच्चों क्या बन रहा है ओ डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग लगा दी, इसके बाद में डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग बना दीजिए और बेंजीन रिंग से आप OH अटैच कर दीजिए। इसको बच्चों कहते हैं इंडोफिनॉल, क्या कहते हैं इसको इंडोफिनॉल कहते हैं, इंडोफिनॉल
इंडोफिनॉल का रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है, लाल रंग का विलयन मिलेगा, लाल रंग का विलयन मिलेगा। अब इसके बाद में इंडोफिनॉल को हम थोड़ा सा क्षारी कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा क्षार डाल देंगे, तो इंडोफिनॉल फिर से बनाते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये इंडोफिनॉल बन रहा है। इंडोफिनॉल इसमें थोड़ा सा बेस कोई डाल दो, NaOH, चलिए NaOH डाल दिया हमने। तो जैसे इसमें बेस डाल देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इंडोफिनॉल का सोडियम साल्ट बन जाएगा, सोडियम लवण बन जाएगा। और इस सोडियम लवण का रंग ऐसा हो जाएगा, इसका रंग फिर से पुनः वही जिस रंग का था उसी रंग का हो जाएगा। पहले कौन सा रंग था, गहरा हरा अथवा नीला, वैसा ही रंग हो जाएगा इसका। ये इंडोफिनॉल का सोडियम लवण, इंडोफिनॉल का सोडियम लवण, सोडियम लवण, और इसका रंग कैसा हो जाएगा, वही गहरा हरा अथवा नीला। अच्छा, एक बार इस रिएक्शन को देख लीजिए, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, लीवर में नाइट्रोसो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई जाती है, नाइट्रस एसिड से कराने पर हमें क्या मिलता है, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल मिलता है, और पैरा नाइट्रोसो फिनॉल रीअरेंजमेंट करके क्यूनॉल बनाता है। क्यूनॉल का रंग गहरा हरा या नीला होता है। फिर क्या होता है, क्यूनॉल को हम और डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो डाइल्यूट करने के लिए फिनॉल डाला, फिनॉल डालने पर इंडोफिनॉल बना, इंडोफिनॉल का रंग कैसा है, लाल है। और इंडोफिनॉल को फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा उसमें बेस डालकर उसको छारी किया, तो हमें क्या मिल गया, इंडोफिनॉल का यहाँ पर साल्ट मिल जाएगा। तो उस साल्ट का रंग कैसा हो जाएगा, पहले के ही जैसा हो जाएगा, पहले कैसा था, गहरा हरा था तो गहरा हरा हो जाएगा, या पहले गहरा नीला था तो नीला हो जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतनी ही रिएक्शन देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतने ही रिएक्शन पढ़ेंगे, शेष फिनॉल के रिएक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।